आज का वीडियो है एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। टॉपिक है वहन क्षमता एवं पारिस्थितिकी कर्मता। वीडियो को अंत तक देखिएगा, देखने को अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है वहन क्षमता व पारिस्थितिकी कर्मता। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। यह संतुलित वृद्धि किसी परितंत्र की वहन क्षमता के अनुरूप होती है। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस परितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने का कारण भी बन सकती है। ज्ञातव्य है कि प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता किसी भी जीवधारी का अंतर्निहित गुण होता है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की यह क्षमता जैविक विभव यानी बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है, जिसे संकेत अक्षर आर से दर्शाए स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। परंतु पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ने के साथ वृद्धि रुक जाती है। यह वृद्धि एक निश्चित ऊपरी सीमा तक ही होती है, इसी ऊपरी सीमा को वहन क्षमता कहते हैं। डायग्राम आप देख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि का एस से ग्राफ के वहन क्षमता को प्रदर्शित करता है। ज्ञातव्य है कि पारिस्थितिकी कर्मरता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। ऑप्शन ए जनसंख्या, बी वहन क्षमता, सी संख्या या जैव द्रव्यमान के पिरामिड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वहन क्षमता। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर दो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दी स्थान का ही नहीं बल्कि जीव के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इसको सही उत्तर ऑप्शन बी पारिस्थितिकी कर्मरता। पारिस्थितिकी कर्मरता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीव के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। अब शुरू होते हैं खाद्य श्रृंखला यानी खाद्य जाल। नोट्स, किसी पारिस्थितिक तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है खाद या फूड कहे जाते हैं। पौधे अपना खाद स्वयं निर्मित करते हैं जबकि जंतु खाद के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ज्ञातव्य है कि जीवों द्वारा ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। उदाहरणतः किसी घास स्थल परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले घास उत्पादक, फिर घास टिड्डा प्राथमिक उत्पादक, टिड्डा से आगे मेढक, द्वितीयक उपभोक्ता, मेढक से आगे सर्प, तृतीयक उपभोक्ता। घास बकरी
मानव आहार श्रृंखला का निर्माण, घास बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास स्वपोषी बकरी शाकाहारी उपभोक्ता, बकरी से मनुष्य सर्वाहारी उपभोक्ता। यह तब यह है कि जीवी घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट, यह तब यह कि जीविक संगठक यानी बायोटिक कंपोनेंट ऐसे जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। जीवित संगठकों में सामान्यता शामिल होते हैं उत्पादक जैसे पौधे, उपभोक्ता जैसे जानवर मनुष्य आदि, अपघटक जैसे कवक एवं जीवाणु। अतः तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। परितंत्र के जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इस प्रकार के पौधों को स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन के निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के अलावा यानी क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइकोप्लैंकटन से मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइकोप्लैंकटन ही उत्तरदायी हैं। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक इस प्रकार हैं। प्राथमिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र पादप प्लवक यानी फाइकोप्लैंकटन, गहरे जलीय स्रोत या समुद्र। जड़युक्त पौधे पारिस्थितिक तंत्र छिछले पानी में प्राथमिक उत्पादक हैं। विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली शाकीय पौधे पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थल यानी ग्रास लैंड प्राथमिक उत्पादक। फसल के पौधे यानी फसल भूमि यानी क्रॉप लैंड। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उदाहरणतः हिरण शाकाहारी प्राणी, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। बाघ मांसाहारी प्राणी है तथा लोमड़ी सर्वाहारी है। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते, अतः वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले जीवधारियों को मांसाहारी कहा जाता है। तो उपभोक्ता परपोषी जीव होता है। यह तभी है कि शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अपघटक अपघटक वे जीव होते हैं जो अपच्छय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म है जैसे फफूंद, जीवाणु, गुल, कृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरत पर निर्भर करते हैं। अधिकांश अपघटक उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निकालते नहीं हैं बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत प्राय जीवधारियों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का श्रावण करते हैं। इससे विखंडित होकर मृदा में सामान्यतः अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है तथा इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व अन्य अकार्बनिक तत्वों का परितंत्र में पुनः चक्रीकरण हो जाता है। स्थलीय परितंत्र की तरह ही समुद्री परितंत्र में भी खाद या आहार श्रृंखला पाई जाती है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है इस प्रकार।
एक साधारण समुद्री आवश्यक है। पहला डायटम सॉपोसी, उससे नीचे आते हैं क्रस्टेशियाई यानी शाकाहारी उपभोक्ता, उससे नीचे आते हैं हेरिंग यानी मांसाहारी उपभोक्ता। उल्लेखनीय है कि तितलियाँ कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियाँ खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य यानी लोअर मेंबर ग्रुप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब प्रश्न देखते हैं। पहला, इस एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों सही क्रम है। इसका उत्तर है सही ऑप्शन ए घास, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सर्प। प्रश्न नंबर दो देखते हैं। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए घास, गेहूँ, आम। ऑप्शन बी घास, बकरी, आदमी। ऑप्शन सी बकरा, कौवा आदि। ऑप्शन डी घास, मछली, बकरा। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घास, बकरी, आदमी। प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए घास, गेहूं तथा आम। ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन सी बकरी, गाय तथा हाथी। ऑप्शन डी घास, मछली तथा बकरी। ऑप्शन ई यौगिक में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव। प्रश्न नंबर चार देखते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? ए वायु, बी वनस्पति, सी जीवाणु, डी जानवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वायु। प्रश्न नंबर पांच देखते हैं, जो आईएएस में आया था। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ऑप्शन बी है, खाद्य श्रृंखला एक जाति के समशिष्ट के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा है, खाद्य श्रृंखला उसे प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा इसे सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक दो, ऑप्शन सी एक दो तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। प्रश्न नंबर छः देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए कोर्सेज से उत्तर सुनिए। ऑप्शन ए चींटी, बी हिरण, सी लोमड़ी, डी बाघ। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एक और दो यानी चींटी और हिरण। प्रश्न नंबर सात देखते हैं, आईएएस 2017 में आया था। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है? ए कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल एक और तीन। इसकी व्याख्या देख लीजिए।
प्रश्न संख्या 8, खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादन होते हैं फाइकोप्लैंक्टन, समुद्री अवतरण, समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रायोफाइट। सही उत्तर है ऑप्शन ए फाइकोप्लैंक्टन। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ए गाय, बी मोर, सी बाघ, डी हरे पौधे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हरे पौधे। प्रश्न नंबर 11, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं? ए शाकाहारी जंतु, बी मांसाहारी जंतु, सी सर्वभक्षी जंतु, डी हरित पादप। सही उत्तर ऑप्शन डी हरित पादप। प्रश्न नंबर 12, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौले का कार्य करते हैं? परजीवी, बी वियोजक, सी उत्पादक, डी उपभोक्ता। सही उत्तर ऑप्शन सी उत्पादक। प्रश्न नंबर 13, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है? ऑप्शन बी द्वितीयक उत्पादक का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित है? पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, अजैविक घटक जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। सही उत्तर ऑप्शन सी हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न नंबर 15, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का के या के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? ऑप्शन ए विषाणु, बी कवक, सी जीवाणु। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केवल दो और तीन यानी कवक और जीवाणु।
प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ऑप्शन ए डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। सही उत्तर ऑप्शन ए डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग।